बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर, ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकालना है। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार, उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप पांच सोमवार करोगे, उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य हो। तो एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हो। पर कब, जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो।